गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज काफी दिनों के बाद हम लोगों का फैमिली ट्रिप हो रहा है। हम लोग जा रहे हैं तिरुपति। ये ट्रिप कुछ खास है बिकॉज फर्स्ट टाइम स्कॉर्पियो एन यानी बिग डैडी इज गोइंग टू गो टू तिरुपति। हम लोग सुबह 7 बजे घर से निकले, नाउ इट्स 7:20। आपको तो ये रूट पता है, सो रूट के बारे में मैं इस वीडियो में ज्यादा नहीं दिखाऊंगी। हम जा रहे हैं तिरुपति। तिरुपति जाने के लिए हम लोग जो रूट ले रहे हैं वो है पुणे सोलापुर हैदराबाद के बाईपास से होके कर्नूल। सो आज का स्टे रहेगा कर्नूल। कर्नूल से आगे कल हम लोग पहुंच जाएंगे तिरुपति। ये वीडियो में आज हम स्कॉर्पियो एन का माइलेज भी टेस्ट करेंगे, तो देखते हैं चलो कितना देती है दिस टाइम स्कॉर्पियो एन। व्हीकल जो है फुल्ली लोडेड है एंड डिस्टेंस आज का है 750 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। घर से निकलते ही हम लोगों ने ट्रिप मीटर 0 करके रखा है एंड स्कॉर्पियो का टैंक इज फुल लबालब करके रखा है। हम अभी निसर्ग में हैं। निसर्ग में हमने हमारा ब्रेकफास्ट किया, वो बहुत टेस्टी था, जैसे इडली वड़ा, ये वड़ा पाव स्पेशलिटी ऑफ महाराष्ट्र, पूरी भाजी, ये सब बहुत ही टेस्टी था। इसलिए हमने अभी पेट भर लिया है, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और हम हमारी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। निसर्ग से कुर्नूल अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर्स है। निसर्ग से हम क्रॉस करने वाले हैं सोलापुर सिटी, फिर बाद में उमरगा, फिर हुमनाबाद, जहीराबाद, महबूब नगर और फिर फाइनली हम हमारे डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे कुर्नूल। अगर आप पुणे से सोलापुर जा रहे हो तो कहीं जगह पे पुलिस की वैन खड़ी रहती है स्पीड इंटरसेप्टर लेके, तो आपको स्पीड लिमिट फॉलो करनी पड़ेगी, अदरवाइज चलान कट जाएगा। सोलापुर से आगे उमरगा तक ये रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बहुत सारी जगह पे डाइवर्जन है, सिंगल लेन रोड भी हो जाता है। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? एक्सीडेंट। हमने नलदुर्ग के पास एक एक्सीडेंट देखा, वो काफी भयंकर था। ओह माय गॉड, होप्स किसी को ज्यादा इंजुरी ना हुई हो। हम अभी महाराष्ट्र का बॉर्डर क्रॉस करके कर्नाटक में एंटर होने वाले हैं। हम अभी कर्नाटक में एंटर हो चुके हैं। हम लोगों ने 354 किलोमीटर कवर किए हैं। सुबह में 7 बजे हम लोग निकले थे और ये ट्रक वाले अंकल ऐसे क्यों चला रहे हैं? हम सुबह 7 बजे निकले थे, अभी बज रहा है 1:15। 354 किलोमीटर हम लोगों ने अभी तक कवर किए हुए हैं। हम कर्नाटका में एंटर तो कर गए। सस्तापुर के यहाँ पे पहुँचने के बाद हमें मेन रोड छोड़ के सर्विस रोड लेनी पड़ी बिकॉज वहाँ पे एक ब्रिज था, उसका काम चल रहा था। यहाँ से सस्तापुर से कुछ ही डिस्टेंस पर बसव कल्याण ये सिटी है। बसव कल्याण इज अ हिस्टोरिक सिटी इन अ बिदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इट इज अ फेमस फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बसवन्ना स्टैचू विच इज 108 feet टॉल। वन मोर बिग डैडी इन ब्लैक कोट। हम हुमनाबाद में हैं। बेसिकली इट्स टाइम फॉर लंच फॉर स्कॉर्पियो। सो हम लोग आ गए हैं इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे। डैडी यहाँ पे करेगा लंच। अभी हमने डीजल फिल किया। हम लोगों का किलोमीटर अभी तक का था 396। डीजल जो लगा वो था 29.77। सो अभी तक के ट्रिप का एवरेज आया 13.3। नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इन तेलंगाना। यू कैन सी ऑन दिस बोर्ड वेलकम टू तेलंगाना। हम लोग पहुंच चुके हैं संगारेड्डी और हमें जाना है कांडी। सो कांडी जंक्शन है, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं राइट टर्न। कांडी जंक्शन से शादनगर तक पहुंचने वाला रोड सिंगल लेन रोड है। बीच बीच में रोड की कंडीशन उतनी खास नहीं है, बट
हैदराबाद का जो नेहरू आउटर रिंग रोड है वो बाईपास हो जाता है और टोल का भी पैसा बच जाता है। इस रोड पे उतना ट्रैफिक नहीं रहता है। ये रोड कंप्लीट करके हम लोग पहुंच जाएंगे 4-lane road हैदराबाद बेंगलोर हाईवे। हम लोग नेशनल हाईवे 44 यानी हैदराबाद बेंगलोर हाईवे पे पहुंच चुके हैं। ये रास्ता पकड़ने के लिए हम लोगों ने कांडी वाला रोड लिया जो अप्रोक्सीमेटली 75 किलोमीटर का था, जहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं था। गूगल आंटी दिखा रही थी कि नेहरू आउटर रिंग रोड लेके भी आप यहाँ पे पहुंच सकते हो, बट इवनिंग का टाइम होने के बाद ट्रैफिक भी बढ़ता है और टोल का पैसा भी ज्यादा जाता है। सो द रूट विच वी हैव चोजन वाज एब्सोल्युटली फाइन। इट्स 4:30 इन द इवनिंग। हमारा डेस्टिनेशन कुरनूल यहाँ से 160 किलोमीटर है। अभी हम शादनगर में संदर्शनी होटल में रुके हैं, जहाँ हम खाने वाले हैं कुछ स्नैक्स। तो चलो देखते हैं हम संदर्शनी में क्या खाने वाले। संदर्शनी एक उड़पी रेस्टोरेंट है, बेसिकली वेज रेस्टोरेंट होने के साथ साथ यहाँ पे टेस्टी साउथ इंडियन फूड भी मिलता है। हम लोगों ने यहाँ पे डोसा लिया और कॉफ़ी चाय लेके हम लोगों ने आगे की जर्नी कंटिन्यू की। आवर डेस्टिनेशन कर्नूल इज 45 किलोमीटर फ्रॉम हियर। हमारा डेस्टिनेशन होटल एट कर्नूल इज ओनली 10 किलोमीटर फ्रॉम हियर। संदर्शनी में हम लोगों ने जब इवनिंग स्नैक्स किया था दैट वाज अ तेलंगाना स्टेट, बट अभी ना हम लोग हैं कर्नूल में, दैट इज आंध्र प्रदेश। अभी बज रहे शाम के 7:30 और हम पहुंच चुके हैं हमारा डेस्टिनेशन त्रिगुना क्लार्क्स इन होटल कर्नूल। सो यहाँ पे है हमारा बिग डैडी, वी हैव ऑलरेडी पार्क्ड। कर्नूल का एक वेरी गुड होटल है, इट इज अ स्मॉल बट वेरी गुड। This is the reception. हमने त्रिगुना क्लार्क्स इन होटल में प्रीमियम किंग साइज रूम बुक की। आप देख सकते हो द रूम इज मैसिव इन साइज। Along with that, it is well maintained hotel. आप उसके सिवा washrooms are even good. Everything is clean and neat. Freshen up होके हम लोग आ गए restaurant में dinner करने के लिए। हम लोग कर्नूल में है, कर्नूल पड़ता है रायल सीमा में। रायल सीमा का खाना बहुत ही tasty होता है, spicy होता है। So हम लोगों ने लिए कई सारे starters. मैंने लिया veg starters and विप्रा ने लिए non veg starter. विप्रा, कर्नूल का खाना कैसा लगा? बहुत टेस्टी, बहुत स्पाइसी है, बहुत ही टेस्टी है। मुझे स्पाइसी फूड बहुत पसंद है, इसलिए आई लव। कल का दिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं तिरुपति। सो स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।